Haji Mino Ippo New Challenger, the second season. Well, this is the peak of Haji Mino Ippo. भले ही कुछ लोगों के ओपिनियन अलग हो सकते हैं कि सीजन 1 इज द एक्चुअल पीक, बट सीजन 2 इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम सीजन 1 एंड सीजन 3. बिकॉज सीजन 1 और 3 में पता चल जाता है कि मेजर फोकस जो है वो ईपो के ऊपर है, बट सीजन 2 में हमें कई अलग अलग कैरेक्टर्स के फाइट्स देखने को मिलते हैं और एंड में जाके पता लगता है कि भाई मेजर फोकस तो ताकामुरा के ऊपर था. वेल, जो लोग सेकेंड सीजन को सीजन 1 जितना अच्छा नहीं मानते, उनका सिंपल सा रीज़न है कि ईपो के ज़्यादा फाइट्स देखने को नहीं मिलते हैं एंड कंपेयर टू सीजन 1 कॉमेडी थोड़ा कम है. उसी के साथ कई लोगों को फाइट कोरियोग्राफी से भी प्रॉब्लम होती है, बट जब आप ओवरऑल सीजन 2 को देखोगे तो इसने काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किया है. पेसिंग काफ़ी अच्छी है, एनिमेशन भी आपको बैडास लगती है और नए कैरेक्टर्स काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट छोड़ते हैं. इनफैक्ट अगर आप IMDb एपिसोड रेटिंग पर देखें तो सिर्फ एक ही एपिसोड है जो 8 से कम है, बट फिर भी ये एनिमे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड है. अब क्या कर सकते हैं, लोग स्पोर्ट्स एनिमेस को भाव देते ही नहीं हैं. भरोसा नहीं हो रहा है तो YouTube में चेक कर लेना कि कितने ऐसे स्पोर्ट्स एनिमेस हैं जिनके ऊपर 10 रिव्यू वीडियो बने हों. एक्सप्लेन वीडियोस और टॉप 10 स्पोर्ट्स एनिमेस को काउंट मत करना, आपको 15 से भी कम वैसे एनिमेस मिलेंगे. एंड आई थिंक सो ब्लू लॉक या फिर हाईक्यू के ऊपर ही 10 से ज़्यादा रिव्यूज़ होंगे एंड टॉप ऑफ द टेबल भी वही दोनों होंगे. तो आप समझ ही सकते हो कि स्पोर्ट्स एनिमेस कितने कम डिस्कस होते हैं इंडिया में. इनफैक्ट स्लैम डंक के ऊपर सिर्फ 6-7 ही वीडियोस पड़े हुए हैं यूट्यूब में, हिंदी में अगर आप देखने जाओगे, और उसमें भी गाइस सिर्फ 4 ही एनिमे रिव्यूज़ हैं, बाकी 3 तो मूवी रिव्यू पर है. वेल, जिन्होंने भी हाजी मिनो ईपो के ऊपर वीडियो बनाया है उनको मेरी तरफ से शुक्रिया, बिकॉज वो काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं OG एनिमेस को इंडिया में पॉपुलर करने के लिए. तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं स्पॉयलर सेक्शन की तरफ. सबसे पहले पिछली वीडियो के लिए मुझे माफ़ करना, मैंने स्पॉयलर सेक्शन में कुछ ज़्यादा ही स्पॉयल कर दिया था मांगा को जब मैंने पिछली बार हाजी मिनो ईपो के ऊपर वीडियो बनाया था, बट इस बार हम सिर्फ इसके इस सीज़न के बारे में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हमें ग्रेगरी वर्सेस मियाता देखने को मिलता है. वेल, मुझे पर्सनली लग रहा था कि ग्रेगरी जीत जाएगा, बट जब वो मोमेंट आता है ना, मियाता के आंखों में ग्रीन कलर दिखने लगता है और वो अपने प्रॉमिस को याद करता है, मैं समझ गया अब तो मियाता ही जीतेगा. सेकेंड फाइट हमें देखने को मिलती है बिटवीन दाते एंड रिकार्डो, और मुझे पता चल गया था कि दाते हारने वाला है बिकॉज दैट वॉज अ वर्ल्ड टाइटल मैच, और जिस हिसाब से प्रैक्टिस मैच में रिकार्डो ने मारा था ना ईपो को, मैं समझ गया ये बंदा डेंजर है. बट जिस हिसाब से दाते हारता है ना, आपको बहुत बुरा फील होगा. 10th राउंड तक मैच चला था, राइट व्रिस्ट शैटर्ड, ब्रोकन जॉ, 3 ब्रोकन रिब्स, ओ माई गॉड. उसके बाद हमें एक नया कैरेक्टर भी देखने को मिलता है उसके बाद वाले एपिसोड में, जिसका नाम था इतागाकी मानाबू, जो अपना पहला मैच हार जाता है. और उस चक्कर में जो फैन वार्स होते हैं ना कमेंट सेक्शन में, भाई साहब, एक पार्टी बोल रही होती है कि माकिनो एक अच्छा कैरेक्टर है पर्सनली, दूसरी पार्टी बोल रही है कि भाई वो चीटिंग करके जीता है, रेफरी को दिख नहीं रहा है क्या. इसके अलावा हमें ईपो के 2 फाइट्स देखने को मिलते हैं, एक था वर्सेस हैमर नोआ, दूसरा था YI योनसू के खिलाफ. वेल, दोनों ही फाइट्स उतने इंटरेस्टिंग नहीं थे. हैमर नोआ वॉज एन इमोशनल फाइट एंड योनसू वॉज अ फाइट फॉर प्रॉमिस. वेल, उसके बाद चालू होता है असली मज़ा, एपिसोड 15 एंड 16, ताकामुरा वर्सेस मॉरिस वेस्ट. ताकामुरा अपने बेस्ट कंडीशन में बिल्कुल नहीं होता, पर जैसे ही वो ब्रायन हॉक को स्टेडियम में देखता है, वो मॉरिस को उसकी औकात दिखा देता है. और बाद में जो बिल्डअप्स होते हैं ना बिटवीन ताकामुरा एंड ब्रायन हॉक, दैट वाज अमेजिंग. और एपिसोड 20 से चालू होता है ब्रायन हॉक वर्सेस ताकामुरा WBC जूनियर मिडिल वेट टाइटल मैच, एंड दैट वाज द पीक. वी शुड ऑल्सो गिव सम क्रेडिट्स टू ब्रायन हॉक, जो नेगेटिव इन्वायरमेंट उसने क्रिएट किया, द डिसरिस्पेक्ट, द टॉइंग, द मॉन्स्ट्रस ट्रेट्स एंड क्वालिटीज. भाई फीमेल रिपोर्टर को बोलता है कि रूम नंबर 1003 में आ जाना, सब कुछ दिखाऊंगा. मतलब आप समझ सकते हो द टाइप ऑफ कैरेक्टर ही वॉज. वेल, उसके पास नेचुरल टैलेंट था, बट क्या करे, अगर आप टैलेंट का अच्छे से यूज़ करोगे नहीं, बॉक्सिंग को डिसरिस्पेक्ट करोगे, तो कर्मा कभी तो आएगी. और लास्ट में जो पंच मारता है ना ताकामुरा,
दैट वॉज सेटिस्फाइंग। और उससे पहले जब वो अनकॉन्शियस गॉड मोड में चल जाता है ना भाई, गूजबम्स आ जाता है। द बिल्डअप वॉज वेरी गुड। वो सोचता है उसके कोच को किसने मारा, हु डिड इट। फिर उसे हॉक का चेहरा याद आता है और फिर जो वो मारता है ना, इट्स ऑल योर फॉल्ट, ब्लू आइज देखने को मिलती है और फिर वो फाड़ देता है, एकदम अल्ट्रा इंस्टिंक्ट बर्जकर मोड में चल जाता है। तो उसके बाद हमें एपिसोड 25 में काफ़ी फनी मोमेंट्स देखने को मिलते हैं और एपिसोड 26 वाज अ लिटिल सीरियस बिकॉज ईपो को मियाता से फाइट करने का मन था बट कोच कामोगावा ने बताया कि तू अभी रेडी नहीं है बच्चू। तो ओवरऑल देखा जाए तो दिस इज़ अ ग्रेट सीजन फॉर मी, ओपिनियंस माइट डिफर। तो अब आते हैं ओवरऑल रिव्यू पर। नूब्स के लिए मास्टरपीस, जनरल ऑडियंस के लिए प्राइम, प्रो ऑडियंस के लिए टॉप क्लास, रिव्यूअर्स के लिए पीक और मेरी तरफ से भी पीक। तो यही था आज का सीज़न रीकैप। होप सो कि आपको ये एनिमे पसंद आए, आई मीन द सेकेंड सीज़न। तो आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।